हेलो हेलो एवरीवन वेलकम टू स्वागत है आप लोगों का वेलकम टू द इंडिया प्लेटफॉर्म स्वागत है आप लोगों का तो हम पढ़ रहे थे डिस्कसिंग अबाउट द ओपेम ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड बी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओपेम एंड ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओपेम एंड प्रॉपर्टी ऑफ द आइडियल ओप एम

हमें यह भी जानना है कि क्या कोई मैक्सिमम लिमिट भी होगी क्या उस सर्किट की कि हम उस फ्रिक्वेंसी से ज्यादा कोई सिग्नल अप्लाई नहीं कर सकते अदरवाइज आपका ओपएम एज एम्पलीफायर काम नहीं करेगा फाइन तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि एक प्रैक्टिकल ओपेम की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है हमने एक आइडियल ओपीएम की प्रॉपर्टी जाननी थी बट अब हमें जानना है एक प्रैक्टिकल ओपीएम की प्रॉपर्टी क्या होती है प्रैक्टिकल ओपीएम की प्रोप, आप प्रॉपर्टी जान लोगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा होगा क्यों क्योंकि हमने आइडियल ओपीएम के लिए बैंडविड्थ की वैल्यू कितनी देखी थी हमने इनफ्राइट देखी थी बट जब आप एक प्रैक्टिकल ओपेम सपोज यू आर टेकिंग आईसी सेवन फोर वन आई की अगर आप एक स्पेसिफिकेशन सीट निकालोगे तो उसमें आपको ओपन लूप बैंडविड्थ कितनी दी जाएगी ओनली फाइव हर्ट्ज दी जाएगी बहुत कम होती है अब इस बैंडविड्थ को हमें कैसे बढ़ाना है बाय यूजिंग फीडबैक फीडबैक लगा देंगे तो क्या हो जाएगी बैंडविड्थ की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि जब हम नेगेटिव फीडबैक लगाते हैं तो गैन की वैल्यू कम होती है और बैंडविड्थ की वैल्यू क्या हो जाती है बढ़ जाती है गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है ठीक है तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि ओपेम एक प्रैक्टिकल ओपेम की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है तो बिल्कुल बनी रही लेकर एंड तक आपको बड़ा मजा आने वाला है और, और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप यहाँ पर देखने आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आगे आपको सीखने को मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आप इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ठीक

ईसी डबल ई एंड आई एन में इन तीनों में इसका अच्छा खासा भेटेज इन तीनों सब्जेक्ट का अगर आप देखोगे तो कम से कम 20 से 30 नंबर के सिर्फ आपके यही सब्जेक्ट मिल जाते हैं 20 से 30 नंबर के नेटवर्क थ्योरी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एंड सिग्नल सिस्टम और अच्छे लेवल के क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा लेवल मिलता है तो आपको बिल्कुल इन सब्जेक्ट के साथ बने रहना है ये सब्जेक्ट मैं ही आपको पढ़ाऊंगा आप बिल्कुल मेरे से जुड़े रहिए मेरे से कनेक्ट रहिए और ये कोड याद रखिए आप आर के वन बस आपको ये कोड याद रखना है आपका गेट का एग्जाम मैं निकलवा के रहूंगा ठीक तो आपको करना क्या है आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है माई फ्रेंड आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप अप अपने प्ले स्टोर से आपका चाहे फोन एंड्रॉयड हो चाहे आईफोन हो कोई भी हो अपने प्ले स्टोर पर जाके आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है वहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर एंड वैलिड ईमेल आईडी मांगेगा उससे आपको लॉगिन करना है जब आप लॉगिन कर लो तो बेटा आपको नीचे दिए गई मेरी प्रोफाइल लिंक पे आपको क्लिक करके मुझे फॉलो करना है आप मुझे फॉलो जरूर कर लेना अन एकेडमी प्लेटफॉर्म पर फॉलो मी ऑन अन अकेडमी अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप मुझे फॉलो जरूर कर लेना बेटा इससे आपको क्या होगा इससे आने वाली क्लास का आने वाली स्पेशल क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो जो इस जो आपकी अनएकेडमी क्लास होती है वो आपकी तीन जगह होती हैं यूट्यूब पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्पेशल क्लास में स्पेशल क्लास और थर्ड होती हैं आपकी प्लस क्लास तो यूट्यूब क्लास और स्पेशल क्लास ये आपकी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है इसके लिए आपको कोई भी फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है बट जो प्लस क्लास होती है या आपकी पेड क्लास होती है इसके लिए आपको थोड़ा बहुत फीस ज़्यादा फीस नहीं आपको थोड़ा बहुत फीस बट इसके फायदे बहुत है प्लस क्लास को ज्वाइन करने के आपके फायदे बहुत हैं अभी मैं बताने वाला हूँ क्या क्या फ़ायदे हैं तो सबसे पहले तो अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो यूट्यूब क्लास स्पेशल क्लास आप तो मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे और आने वाली स्पेशल क्लास के आपको आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे मैंने वहाँ पर बहुत सारी स्पेशल क्लास ली होंगे बहुत सारी पूरा नेटवर्क पढ़ सकते हो आप मैंने लगभग लगभग कंप्लीट नेटवर्क वहां पर करवा दिया है आप कंप्लीट नेटवर्क वहां पर पढ़ सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई भी फी जमा करने की ज़रूरत नहीं है नहीं, बट अगर आप चाहते हो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो तो आपको सिलेबस कंप्लीस बैच ही ज्वाइन करना चाहिए एक स्ट्रक्चर वे में एक स्ट्रेटी में अभी आपके बैच स्टार्ट हुए हैं नए नए बैच स्टार्ट हुए हैं उन बैच को आप जरूर ज्वाइन करें आज ही उठाओ अपना फोन उठाओ और आज ही सब्सक्रिप्शन ले लो जैसे आप हॉट स्टार नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो ना आजकल लॉकडाउन में ऐसे ही आपको इसका भी सब्सक्रिप्शन लेना है एक बार सब्सक्रिप्शन ले लोगे वन टाइम सब्सक्रिप्शन दिस इज द वन टाइम सब्सक्रिप्शन अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो आप सारे के सारे बैच ज्वाइन कर सकते हो जितने भी बैच चल रहे होंगे आप सारे के सारे बैच ज्वाइन कर सकते हो फाइन तो आपको आपको ट्राई करना है कि आप एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ो एक अच्छी टीचर से पढ़ो और एक बुक से पढ़ो ऐसा नहीं कि आप हमेशा भटकते रहो जब इंसान को ऑप्शन मिलते हैं ना तो भटकता जाता है ना तो आपको भटकना नहीं है मेरा कहना सीधा यह है कि अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो एक टीचर एक बुक आपको सक्सेस दिला देगी है ना भटकना माता ठीक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज टेस्ट सीरीज ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है तो अगर आप बाहर परचेज करोगे तो आप करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग से खरीदनी पड़ेगी इलेक्ट्रिकल की अलग से खरीदनी पड़ेगी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अलग से खरीदनी पड़ेगी से खरी टेस्ट सीरीज बट अगर आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन आपको सारे ब्रांच की टेस्ट सीरीज एक साथ मिल जाएगी सारे ब्रांच की टेस्ट सीरीज आपको एक साथ मिल जाएगी आपको अलग अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं होगी राइट तो आपकी फीस कितनी है बेटा मैं आपको बता दूं अगर जो स्टूडेंट ड्रॉप आउट स्टूडेंट यहाँ पर फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो उनको सजेस्ट करूंगा कि वो एक साल की एक साल का ही प्लान लें फाइन तो उनकी फीस कितनी बेटा तीस या दो सौ पचास रुपए एक साल का प्लान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक या दो महीने ती, या फिर तीन महीने का प्लान लेते हो तो देखो ये चीजें पॉसिबल है आपकी ऑफलाइन स्टडी में ऑफलाइन में आठ आठ नौ नौ घंटे आप क्लास में बैठे रहते हो पढ़ाई कर लेते हो बट ऑनलाइन में इट इज नॉट पॉसिबल बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि आप आठ नौ घंटे और मोबाइल के सामने बैठ के और लेक्चर पढ़ो एक तो इतना डेटा भी नहीं होता है राइट तो कम से कम एक साल का प्लान लो ताकि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सको आपकी प्रॉपर तैयारी हो सके तो उसकी जो फीस है बेटा एक साल की वो कितनी है तीस हजार दो सौ पचास रुपए बट ये कोड आपको लगाना नहीं भूल रहा है अब आते हैं इस कोड पर आपको ज... आप जैसे यहाँ पर रेफरल कोड मांगेगा आपको रेफरल कोड मांगेगा आप जैसे यहाँ पर आर कोड अप्लाई करोगे आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी फीस कितनी हो जाएगी सत्ताईस हजार दो सौ पच्चीस रुपए तुरंत ही जैसे आप अप्लाई करोगे इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको सेकेंड थिंग जो आप स्पेशल क्लास देखते हो वहाँ से भी आपको क्रेडिट मिलता है उस क्रेडिट का यूज करके आप इसको रिडीम कर सकते हो और आपकी फीस में और भी डिस्काउंट हो सकता है तो बेटा बिल्कुल बनी रहिए आज ही उठाइए आज ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आज ही से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए गेट और आई की फाइन तो अगर आप एट्टीन वन का प्लान लेते हैं तो एट्टी वन के प्लान के फीस की फीस कितनी है? हजार पाँच सौ रुपये अड़तीस हजार पाँच सौ रुपए और अगर वो कोड अप्लाई करते हैं आर के वन अगर वो कोड अप्लाई करते हैं आर के वन तो अगेन उन्हें टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा उनकी फ़ीस कितनी हो जाएगी चौंतीस हज़ार छः सौ पचास रुपए और यहाँ से भी वो क्रेडिट रिडीम कर सकते हैं यहाँ से भी वो क्रेडिट रिडीम करके अपनी फ़ीस को कम कर सकते हैं और अगर वो दो साल का प्लान लेते हैं जैसे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों को है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों को है उनको मैं प्रेफर करूंगा दो साल का प्लान लो ताकि उनके सेमेस्टर की तैयारी भी साथ साथ हो जाए पर टेक्निकल शुरू से ही अच्छा हो जाए उनका बेस बहुत अच्छा मजबूत हो जाए तो उनकी जो फीस है वो कितनी है बेटा चौवालीस हज़ार रुपये और अगेन अगर वो कोड यूज़ करते हैं आर के वन टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा उनकी फ़ीस कितनी हो जाएगी कि उनतालीस हज़ार छः सौ रुपये और अगर वो क्रेडिट को रिडीम कर लेते हैं तो उनकी फ़ीस और भी कम हो जाएगी मतलब स्पेशल क्लास देखने बहुत क्लास के बहुत फायदे हैं स्पेशल क्लास देखोगे तो आपको एक तो फ्री में कंटेंट मिल रहा है सब्जेक्ट मिल रहे हैं आपको नॉलेज मिल रहा है है ना और साथ ही साथ आप क्रेडिट भी मिल रहा है ताकि आप उसको आगे डिस्काउंट में कन्वर्ट कर सको तो आपको क्या क्या मिल जाएगा इतना करने के बाद इतना करने के बाद सबसे पहले तो आपको टॉप एजुकेटर के साथ आपको लाइव क्लास करने का मौका है देखो इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं इंडिया के नंबर वन टॉप एजुकेटर वो अनअकेडमी पर है नहीं उनके साथ आपको लाइव क्लास करने का मौका उनके साथ आप बातचीत करो इंटरेक्शन करो अपने टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग बनाओ अपने डाउट उनसे पूछो डाउट उनके सामने रखो अपने क्रांतिकारी विचार उनके सामने रखो लाइव पोल में पार्टिसिपेट करो टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करो चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करो और उनके नोट्स पी फॉर्म में डाउनलोड कर लो जब आप उनकी पी डी एफ फॉर्म में नोट्स डाउनलोड कर लो तो आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं अपने नोट्स आपको खुद बनाने हैं तभी आप सक्सेस पा पाओगे अदरवाइज क्या है मार्केट में बहुत सारे नोट्स हैं मार्केट में बहुत सारे नोट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे फोटो कॉपी मिल जाएगी बट उनसे आप पढ़ नहीं सकते हो किसी दूसरे के नोट से आप पढ़ ही नहीं सकते हो है ना जब तक आपने खुद के नोट्स ना बनाए हो ठीक चलो तो अगर कोई स्टूडेंट मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है बेटा कोई भी स्टूडेंट अगर मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो सबसे पहले तो नीचे दिए हुए एक क्वेरी फॉर्म को आपको भरना होगा क्वेरी फॉर्म को आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उसमें चार ऑप्शन मांगेगा फिस्ट एग्जाम आर यू गोइंग टू तो आपको क्लिक करना है गेट एंड डी एस सी ई सी एंड वाली बिकॉज आई एम द फैकल्टी ऑफ ई सी वाली व्हाट इज योर नेम यहाँ पे उसको अपना नाम डालना है स्टूडेंट नेम मोबाइल नंबर यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मांग डालना है व्हाट इज यहाँ पर आपको किससे बात करनी है वो मांगेगा तो यहाँ पे आपको मेरा नाम डालना डाल है राहुल कुमार गुप्ता यहाँ पर आपको मेरा नाम डालना है राहुल कुमार गुप्ता समझ तो में आ रहा है आप जैसे ही इतना डालोगे बेटा आप जैसे ही इतना डालोगे सबमिट करोगे आपका कॉन्टेक्ट नंबर मेरी टीम आपको कॉन्टेक्ट नंबर मुझे प्रोवाइड करा देगी और मैं आपसे खुद ही कॉन्टेक्ट कर लूंगा मैं आपको खुद कॉल खुद ही कॉल कर लूंगा है ना आप टेंशन मत लो चलो तैयार हो जाओ फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ओपेम वो, पढ़ने के लिए बट उससे पहले हमें प्रैक्टिकल ओपीएम की प्रॉपर्टी जाननी है दो मिनट दे दो मुझे बस चलो तो मैं एक टेबल बनाऊंगा आपके आपके सामने एक टेबल बनाऊंगा प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रैक्टिकल ओपेम के लिए प्रॉपर्टी ऑफ प्रैक्टिकल ओपेम के लिए एक टेबल बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा आइडियल ओपेम एंड प्रैक्टिकल ओपेम तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखूंगा मैं देखो मैंने यहाँ पर पहले से क्यों नहीं बनाई ताकि आप लोग मैं लिखता जाऊँ और आप लिखते जाओ इसमें पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है अदरवाइज सामने सामने अगर मैं रख दूंगा मेरी समझ में वो पढ़ाई अच्छी नहीं होती है कि मैं सामने सामने सारा सारा कंटेंट आपके सामने रख दूंगा अब मुझे पता नहीं है कि आप कितनी देर में लिख रहे हो कितनी देर में समझ रहे हो ठीक है बात करते करते अगर आप लिखते जाओगे तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा होगा है ना इसलिए मैंने यहाँ पर टेबल नहीं बनाई ठीक है ओपन लूप गेन हमने कितना पढ़ा था ओपन लूप गेन हमने आइडियल ओपेम के लिए पढ़ा था इनफेनाइट बट यहाँ पर कितना होता है यहाँ पर हो रहा है टेन पावर सिक्स टेन पावर सिक्स आईसी सेवन फोर वन की बात कर रहे हैं हम ठीक है हमने इनपुट रेजिस्टेंस कितना पढ़ा था इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ पर था इन बट यहाँ पर होगा वन मेगा ओम टू टू मेगा ओम मतलब बहुत लार्ज होगा वन मेगा ओम टू मेगा ओम तीसरा आउटपुट रेजिस्टेंस हमने कितना पढ़ा था आउटपुट रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था जीरो बट यहाँ पर थोड़ा सा होता है कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है पर ओम ओम टू के आसपास बहुत कम होती है बट थोड़ा सा होती है ओपन लूप बैंड इम्पोर्टेंट थिंग है ओपन लूप बैंड ओपन लूप आइडियली इट इज एज्यूम आइडियली इट इज एज्यूम के बैंड बेट ऑफ दीच इनफेनाइट बट प्रैक्टिकली इट इज वेरी वेरी लेस ओनली फाइवर ओनली फाइबर नेक्स्ट ऑफसेट वोल्टेज इसको अभी मैं बताऊंगा आज की क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास में अभी मैं आपको बताऊंगा ऑफसेट वोल्टेज क्या होते हैं तो यहां पर मैंने आपको बताया था जीरो बट इट इज नॉन जीरो इट इज नॉन जीरो आई मीन इनपुट ऑफ साइड वोल्टेज अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं इफ़ बी वन इक्वल टू जीरो और बी टू इक्वल टू जीरोन देन बी नॉट डज नॉट इक्वल टू जीरो बी नॉट डज नॉट इक्वल टू जीरो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था सी एम आर आर अगर आपको सारी प्रॉपर्टी याद हो सी एम आर आर हमने यहाँ पर पढ़ा था इनफोनाइ पर्ट यहाँ पर कहता हूँ टेन पावर सिक्स और ये क्वेश्चन पूछा गया है आई ए एस में टेन पावर सिक्स और ट्वेंटी डी बी और ट्वेंटी डी बी सिल्यू रेट रेट कितना होता है इनफरनाइट और यहाँ पर कितना होता है जीरो पॉइंट फाइव वन बोल्ट पर माइक्रो सेकेंड ये चीज हमेशा माइक्रो माइक्रोसेकेंड में ही आपकी कैलकुलेट होती है हमेशा माइक्रो सेकंड में जीरो पॉइंट फाइव टू वन माइक्रो सेकंड वन वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड तो सी एम आर आर डीबी में कितना होता है सी एम आर आर डीबी में कितना होता है अगर मैं डी बी की बात करूँ सी एम आर आर इन डी बी अगर डी बी में निकालोगे तो कितना आएगा ट्वेंटी लॉग बेस टेन एडीएम अपॉन ए सी एम ए डी एम अपॉन ए सी एम इसका मैग्निट्यूड है ना ट्वेंटी आएगा बिकॉज दिस इज द गेन नॉट पावर दिस इज गेन नॉट पावर यार ए डी एम क्या होता है ए डी एम इज कॉल्ड डिफरेंशियल मोड गेन, ए डी एम इज कॉल्ड डिफरेंशियल मॉड एंड ए सी एम ए सी एम क्या होता है बेटा कॉमन मॉड एसीम होता है कॉमन मॉडगैन कॉमन मॉडगैन फाइन तो इतना जल्दी से नोट कर लो मैं आपको एक मिनट का टाइम देता हूँ ये चीज़ जल्दी से नोट कर लो जल्दी से नोट कर लो बेटा एक मिनट का टाइम दे देता हूँ मैं आपको तो तो हम पढ़ेंगे फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स क्योंकि अब हमें बात करनी है ओपन लूप गैन और बैनबेट की ओपन लूप गैन और बैनबेट की क्योंकि फ्रिक्वेंसी और गैन के बीच का हमें प्लॉट करना होता है ना फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है इट इज अ प्लॉट बिटवीन ओपन लूप गैन और क्लोज लूप गैन वर्सेज फ्रिक्वेंसी गैन वर्सेज फ्रिक्वेंसी का जो प्लॉट होता है डेट इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स डैट इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है ना चलो आगे बढ़े अब हमें देखना है फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ओपन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ओप कौन सा ओप एम आई सी सेवन फोर वन उसी का उसी का ओपन लूप आपका फाइनाइट होता है अदरवाइज क्या है तो उसका इंफेनाइट होगा फिर आइडियल की अगर बात करेंगे तो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब होता है इट इज अलॉट ऑफ ओपन लूप वोल्टेज गैन ओपन लूप वोल्टेज गैन एंड फ्रिक्वेंसी एंड फ्रिक्वेंसी ओपन लूप गैन बोल लो या फिर क्लोज लूप गैन बोल लो हम यहाँ पर दोनों बोल सकते हैं ओपन भी बोल सकते हैं और क्लोज भी बोल सकते हैं ओपन भी बोल सकते हैं और क्लोज भी बोल सकते हैं हम दोनों वर्ड बोल सकते हैं है ना दोनों वर्ड बोल सकते हैं अगर आपका क्लोज क्लोज लूप लूप सिस्टम है तो आप गेन लोगे अगर आपका ओपन लूप सिस्टम है तो ओपन लूप गेन बट अगर एक ideal, अगर ए, ओ, एक आइडियल लुप गए की बात करें तो अपने दिमाग में हमेशा ओपन लूप ही आएगा है ना तो अब देखो रिस्पॉन्स हमें निकालना कैसे है बेसिकली ओपेन बनता कैसे है ओपेन बनता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर से डिफरेंसियल एम्पीफायर डिफरेंशियल बन, एम्पलीफायर बनते कैसे हैं बीजेटी से मतलब बीजेटी एम्पलीफायर से बीजेटी एम्पलीफायर का हम फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स देख चुके हैं कि मीडियम फ्रिक्वेंसी में मीडियम फ्रिक्वेंसी अगर मैं बीजेटी की बात करूं देखेंगे अगर मैं फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स बीजेटी एम्पलीफायर बात करूं फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ आरसी कपल्ड आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की बात करूं अगर मैं आरसी कपल एम्पलीफायर की बात करूं तो आपको ध्यान है मैंने आपको बताया था मैं आपको बता चुका हूं बीजेटी में सब कुछ कि आपका जो है वो कुछ ऐसा आएगा गैन से जो फ्रिक्वेंसी का प्लॉट होगा वो प्लॉट आपका कुछ ऐसा आएगा वो प्लॉट कुछ ऐसा आएगा कि लो फ्रिक्वेंसी में वोल्टेज गैन डिक्रीज होता है लो फ्रिक्वेंसी में वोल्टेज गैंड डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ लार्ज बिकॉज ऑफ लार्ज कैपेसिटर बिकॉज ऑफ लार्ज कैपेसिटर लार्ज कैपेसिटर कौन कौन से थे वहां पर टीसी एंड सीई और हाई 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 है वोल्टेज कैन डिक्रीज बिकॉज बिकॉज ऑफ ऑफ स्मॉल कैपेसिटर स्मॉल बोल दो या फिर बिकॉज ऑफ जंक्शन कैपेसिटर बिकॉज ऑफ जंक्शन कैपेसिटर ये अपना फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स था किसका एक आरसी कपल्ड एम्पलीफायर था था, एक डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर होता है और अगर डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर है तो ना तो वहां पर सी बी है ना वहां पर सी सी है और ना ही वहां पर सीई है वहां पर लार्ज कैपेसिटर है ही नहीं जब वहां पर लार्ज कैपेसिटर नहीं है तो क्या लो फ्रिक्वेंसी पर वोल्टेज डिक्रीज होगा नहीं क्वेंसी पर फिर फिर वोल्टेज गेंट डिक्रीज नहीं होगा यही डिफरेंस है आपका आरसी कपल एम्पलीफायर एंड डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर में तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ओप एम्प पीछे डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर और अगर डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर है तो आपका जो ये वाला लो फ्रिक्वेंसी में जो वोल्टेज गेंट डिक्रीज हो रहा है ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट आपका नहीं आएगा आपका लो फ्रिक्वेंसी वोल्टेज गेंट डिक्रीज नहीं होगा आपका वोल्टेज क्या होगा यहाँ पर कॉन्स्टेंट होगा मैक्सिमम होगा सुनो तो यहां पर इज द मीडियम फ्रिक्वेंसी इज द लो फ्रिक्वेंसी एंड डी इज द हाई फ्रिक्वेंसी बट मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं ध्यान से सुनेंगे एज ओप एम एज डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर हेंस its frequency response its frequency response begin from f equal to 0 or we can say or we can say frequency response frequency response symbols symbols response of

हाई फ्रिक्वेंसी में वोल्टेज का डिक्रीज होगा ओपीएम का किसकी वजह से बिकॉज ऑफ जंक्शन कैपेसिटर अब वो बोलेगा जंक्शन कैपेसिटर क्या है तो बेटा आपको बताना है जो ओपीएम है वो बेसिकली बनता कैसे है या तो वो बीजेटी से बनेगा या फिर वो एफईटी से बनेगा बेसिकली जो उसका बेसिक पार्ट है वो है आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर और डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज डिजाइन बेट आइदर बीजेटी और एफई और मॉस्फेट तो चाहे हम एफिटीमोसफेट की बात करें और चाहे हम बीजेटी की बात करें इंटरनल कैपेसिटेंस और जंक्शन कैपेसिटेंस तो आपके प्रेजेंट होंगे ही होंगे उसकी वजह से हाई फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगा ही होगा ये तो आपका हर सर्किट में आप कोई भी सर्किट बना लोगे आपका हाई फ्रिक्वेंसी वोल्टेज वोल्टेजगैंट डिक्रीज होगा ही होगा ठीक तो हाई फ्रिक्वेंसी वोल्टेज वोल्टेजग डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ इंटरनल कैपेसिटेंस और जंक्शन कैपेसिटेंस फाइन तो देखो मैं यहां पर अभी लिख दूंगा वो पॉइंट मैं अभी वहाँ पर ये पॉइंट लिख दूंगा फ्रिक्वेंसी वर्सेज गेन के बीच का प्लॉट खींचना है गेन तो आपका गेन कैसा आएगा कुछ ऐसा आएगा आपका गेन कुछ ऐसा आएगा ठीक है यहां पर लो फ्रिक्वेंसी में मैक्सिमम गेन होगा मैक्सिमम गेन होगा अभी मैं अगर ओपन लूप की बात करूं तो ओपन लूप अगर क्लोज लूप होगा तो क्लोज लूप आप किसी की बात कर सकते हो ठीक है तो ईओ एल अभी हम ओपन लूप गेन की बात करते हैं ओपन लूप गेन की बात करते हैं यहाँ पर एक फिक्वेंसी होगी यहाँ पर एक फेक्वेंसी होगी जिसको हम बोलेंगे एफ ओ एल थोड़ा सा प्लॉट इसको हम और अच्छे से बना सकते हैं ऐसा जो आपका लो फ्रिक्वेंसी का प्लॉट होता है वो कुछ ऐसा सॉरी लो पास फिल्टर का जो प्लॉट होता है वो कुछ ऐसा होता है यहाँ पर एक फ्रिक्वेंसी होगी जिसको हम बोलेंगे एफ ओ एल जिसको हम बोलेंगे एफ ओ एल जहाँ पर गेन कितना हो जाएगा ए ओ एल अपॉन रूट टू एल अपॉन रूट टू और यहां पर एक फ्रिक्वेंसी होगी कोई फ्रिक्वेंसी होगी जहां पर गैन कितना हो जाएगा वन जिसको हम बोलेंगे यू जी बी यूनिटी गैन फ्रिक्वेंसी यू जी बी यूनिटी गैन फ्रिक्वेंसी जहां पर गैन कितना हो जाएगा वन तो ई एल क्या है ई एल इज द मैक्सिमम ओपन लूप गैन और इसी को हम बोलेंगे डीसी गेन इसी को हम क्या बोलेंगे डी सी कई बार वो क्वेश्चन में लिखता है डी सी गन एफओ एल क्या है एफओ एल एफओ एल इज कॉल्डी और वी कैन से कट ऑफ वी कैन से ब्रेक क्योंकि ब्रेक पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ये रिस्पॉन्स बनता है ना ये बॉडी प्लॉट ही है बेसिकली तो बॉडी प्लॉट की जो कॉर्नर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी होती है इसको हम कॉर्नर फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं कॉर्नर फ्रिक्वेंसी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पर ही आपका गेन क्या होता है कम होता है

Voltage gain reduces at higher frequencies, higher frequencies because of because of या तो हम बोले compensation, कंपनसेशन capacitance कैपेसिटेंस होता है या फिर जंक्शन कैपेसिटेंस होता है इसी को हम बोलते हैं कई नाम दे देता है वो यूज़ इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओपेम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओपेम मेक्स्योर डेट ओपेम Stable at all frequency. At all frequency. ये आपको ध्यान रखनी है कि जो वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है वो हो रहा है आपका बिकॉज ऑफ कंपनसेशन कैपेसिटेंस जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ द बीजेटी ऑफ द एप मॉसपेट इसी का भी बोल सकते जिस हो जिससे आपका डिजाइन होगा तो मैंने अभी आपको क्या बताया यहाँ पर मैंने आपको बताया जो इसका आ, रिस्पॉन्स होगा वो कैसा होगा एक लो पास सर्किट की तरह एक लो पास सर्किट की तरह है ना तो इस लो पास सर्किट की जो इक्वेशन होती है वो कैसी होती है ऑफ ओपेम एट लो फ्रिक्वेंसी जब एनालिसिस करवाया था बीजेटी का तब मैंने आपको ये इक्वेशन बताई थी तो इस इक्वेशन को हम ड्राइव ना करते हुए हम डायरेक्टली यहां पर लिखेंगे कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम देखो एक्वल टू ए ओ एल अगर यहां पर क्लोज लूप गेन होगा तो क्लोज लूप गेन आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं बट जब क्लोज लूप गेन आएगा तो आपकी फिक्वेंसी भी क्लोज लूप वाली आएगी एफ अपॉन एफ ओ एल का होल स्क्वायर अगर यहां पर क्लोज लूप गेन आएगा तो यहां पर क्लोज लूप आपकी कट ऑफ फिक्वेंसी भी आएगी एफ ओ एल हाइन देखो दिस इज फॉर ओपन लूप सिस्टम अगर मैं क्लोज लूप सिस्टम की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा ए सी एल अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एफ अपॉन एफ सी एल का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर दिस इज फॉर क्लोज लूप सिस्टम दिस इज फॉर क्लोज लूप सिस्टम क्या ये चीज क्लियर हो रही है दिस इज फॉर क्लोज लूप सिस्टम चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो अब हमें निकालना है अब हमें निकालना है एक ऐसी फ्रिक्वेंसी जहां पर गेन कितना हो रहा है वन हो रहा है इस फ्रिक्वेंसी का बहुत मतलब है इस फ्रिक्वेंसी को आपको बहुत अच्छे से समझना है वो फ्रिक्वेंसी है क्या जिसको हम बोलते हैं यूनिटी गेन फ्रिक्वेंसी तो हम क्या बोलते हैं यूनिटी गेन बैंडविड्थ और यू जी क्या है ये इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं डेफिनेशन क्या हो जाएगी इट इज द फ्रिक्वेंसी एट विच ओपन लूब गैन ओपन लूब वोल्टेज गैन ऑफ ओपेम बीकम्स वन दैट इज डेट इज एट एफ इक्वल टू यू जी बी जो वोल्टेज गैन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा वन हो जाएगा तो इस इक्वेशन को अगर मैं बोल दू इसको इक्वेशन नंबर वन तो अगर मैं इक्वेशन नंबर वन से सॉल्व करूंगा तो कितना लिखूंगा वन इक्वल टू ए ओ एल अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस यू जी बी अपॉन एफ ओ एल फुलवायर एफ ओ एल फुल स्क्वायर हमें इतना पता है जो यू की वैल्यू होती है ना वो वेरी वेरी ग्रेटर देन होती है एफ से यू होती है आपकी मेगा हर्ट्स में और एफ क्या है आपका फाइव हट्स बहुत ज्यादा है तो यू अपॉन एफ क्या हो जाएगा वेरी वेरी ग्रेटर देन बन हो जाएगा तो यू अपॉन एफ अगर स्क्वायर करोगे वो तो बहुत 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 ज्यादा बन हो जाएगा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो यहां से मैं वन को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ अगर मैं बन को नेग्लेक्ट करूंगा तो हमें क्या मिलेगा वन इक्वल टू AOL upon UGB upon FOL तो UGB equal to क्या हो जाएगा UGB equal to AOL into FOL जैसे आपकी BJT में एक frequency आई थी FT unity gain frequency FT FT beta into F beta beta into F beta ऐसे यहाँ पर UGB की value आई है AOL into FOL where AOL क्या है where AOL क्या है AOL is the denote the maximum gain मैक्सिमम गैन एंड एफ एल क्या है एफ एल डिनोट द ओपन लूप बैंड ओपन लूप बैंड तो देखो एल क्या है गैन है एफ एल क्या है बैनबेट है तो यूजीबी क्या कहलाएगा यूजीबी कहलाएगा यूजीबी इज ऑल्सो कॉल्ड यूजीबी इज ऑल्सो कॉल्ड गैन बैनबिट प्रोडक्ट एल इंटू एफ ओ एल बेटा ये चीज आपकी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है किसी भी से, किसी भी अगर आप फीडबैक भी लगाओगे तो अगर गैन की वैल्यू कम होगी तो आपकी बैनबिट की वैल्यू बढ़ेगी हमेशा गैन बैनबिट प्रोडक्ट हमेशा कॉन्स्टेंट होता है तो गैन बैनबिट प्रोडक्ट बेसिकली क्या शो करता है यू जी बी रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट फ्रिक्वेंसी क्योंकि इसके बाद अगर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो जो गैन है वो लेस देन बन हो जाएगा और अगर गैन लेस देन बन हो जाएगा तो फिर सर्किट आपका एज अ एम्पलीफायर काम नहीं करेगा एज एम्पलीफायर काम नहीं कर सकता है तो यूजीबी आल्सो रिप्रेजेंट हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी अपू अपू बीच एनओपेम एन ओपेम इज यूजफुल एज एन एम्प्लीफायर इज यूजफुल एज एन एम्प्लीफायर आईट फिर उसके बाद वो एज एम्पलीफायर काम नहीं करेगा तो अगर मैं बात करूं फोर्स आईसी सेवन फोर वन आईसी सेवन फोर वन की बात करूं तो देखो एओ एल कितना होता है एओ एल इक्वल टू द टेन पावर सिक्स एफओ एल कितना होता है एफ एल इक्वल टू होता है फाइव हर्ट्स तो देखो यूजीबी कितनी हो जाएगी इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू होता है एओ एल इंटू एफ ओ एल एओ एल इंटू एफ एल मीन टेन पावर सिक्स इंटू फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा फाइव मेगा तो गैन बैनविट प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है गैन बैनविट प्रोडक्ट हमेशा कॉन्स्टेंट होगा फाइव मेगा हर्ट, तो 5 मेगा हर्ट. जब हम फीडबैक यूज करते हैं वैन फीडबैक इज यूज वैन वो भी निगेटिव फीडबैक अगर मैं एक निगेटिव फीडबैक की बात कर रहा हूं वैन निगेटिव फीडबैक इज यूज इज यूज मैंने आपको फीडबैक पढ़ाया हुआ है मैंने आपको फीडबैक पढ़ाया हुआ है तो आपका जो ए सी एल हो जाता है वो कितना हो जाता है ए सी एल इक्वल टू हो जाता है ए ओ एल डिवाइड बाई वन प्लस ए ओ एल इंटू बीटा और जो बेनमिट हो जाती है वो आपकी बढ़ जाती है एफसीएल अगर मैं बात करूं एफ सी एल की अगर मैं बात करूं तो एफ सी एल इक्वल टू हो जाता है एफ ओ एल इंटू वन प्लस एओ एल इंटू बीटा तो जितने अमाउंट से आपका गेन कम होता है उतने अमाउंट से आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है उतने अमाउंट से आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है ना? But UG UG है ना बट यूजी भी आपका कॉन्शेंट रहेगा यूजी भी आपका कॉन्सेंट मतलब एओ एल इंटू एफ ओ एल इक्वल टू ए सी एल इंटू एफ सी एल ये चीज आपकी कॉन्शेंट रहेगी हमेशा ये चीज आपकी हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी और इससे क्वेश्चन आई हुए हैं आपके इससे क्वेश्चन आई हुए हैं आपके चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं एक क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन लिखते हैं एन ओप एम एज डीसी गैन देखो डीसी गैन का मतलब क्या है ओपन लूप गैन एल ऑफ टेन पावर फोर एंड न ऑफ वन थाउजेंड एट वन किलोवर्ड्स कैलकुलेट इट्स कॉर्नर फ्रिक्वेंसी एंड यूजीबी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है आपको एफयूएल की वैल्यू निकालनी है कॉर्नर फ्रिक्वेंसी मतलब एफयूएल की वैल्यू निकालनी है चलो जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को यूजीबी की वैल्यू बता दो और कॉर्नर फ्रिक्वेंसी बता दो मैं आपको दो मिनट का टाइम देता हूँ मैं आपको दो मिनट का टाइम देता हूँ बेटा जल्दी से मुझे बता दो आंसर जल्दी से मुझे आंसर बता दो आप कैलकुलेट कर देखो जब भी आप वीडियो देखो ना ये आप वीडियो देख रहे होगे तो आपको रोक देना है पॉज कर देना है है ना पॉज कर दो या फिर चलने दो वीडियो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ दो मिनट का आप जल्दी सॉल्व करो फिर आप आंसर देखो क्या आपके आंसर सही आए क्या ठीक जल्दी सॉल्व करो मुझे बता दो एक मिनट का और टाइम है आपके पास मिनट का और टाइम है आपके पास चलो देखेंगे आप दस सेकेंड और हैं तो देखो गैन कितना होता है अभी मैंने आपको बताया गैन का जो फॉर्मूला बताया वो होता है मैंने ए ओ एल अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एफ अपॉन एफ ओ एल का होल स्क्वायर एफ अपॉन एफ ओ एल का होल स्क्वायर सो गिवन ए कितना दिया हुआ है ए इक्वल टू वन थाउजेंड एट एफ इक्वल टू वन किलो हर्स एफ इक्वल टू वन किलो हट्स तो वन थाउजेंड इक्वल टू टेन पावर फोर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ वन प्लस वन थाउजेंड डिवाइड बाई एफ ओ एल अगर आप यहां से एफ ओ एल की वैल्यू निकालोगे तो एफ ओ एल की वैल्यू आएगी कैलकुलेट कर लेना एफ ओ एल की वैल्यू आएगी हंड्रेड हर्ट्स हंड्रेड हर्ट्स मतलब जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आ गई वो कितनी आ गई हंड्रेड हर्ट्स मतलब हंड्रेड हर्ट्स पर आपकी आपका गेन कितना हो जाएगा ए ओ एल अपॉन रूट टू हो जाएगा एल अपॉन रूट टू हो जाएगा ठीक अब आपको निकालना है यू जी बी तो यूजीबी का फॉर्मूला आपको पता है यू टू क्या होता है एल इंटू एफ ओ एल टेन पावर फोर इन टू हंड्रेड तो कितना आ जाएगा ये ये आ जाएगा वन मेगा हट्स मतलब जो आपका ये ओपेम दिया गया है ओपेम की जो ओपन लूप गेन है वो है टेन पावर फोर और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कहां तक आप इसको यूज कर सकते हो वो है आपका वन मेगा हट्स इससे ज्यादा आप इसको यूज नहीं कर सकते हो इससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का आप इसमें सिग्नल अप्लाई नहीं कर सकते हो अदरवाइज वो सिग्नल क्या हो जाएगा डिस्टोर्टेड हो जाएगा फिर वो एज ए एम्पलीफाइर काम नहीं करेगा फिर वो एजे अटेनुएटर काम करेगा और और अटेनुएटर में क्या होता है आपका आउटपुट डिस्टोर्टेड हो जाता है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं फाइन दिस इज ऑल अबाउट द टू डेज क्लास तो अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हो बेटा सच में तैयारी करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आपको करना क्या है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ आप सच में अगर इन वीडियो को पसंद कर रहे हो आप इनसे कुछ सीख रहे हो तो बेटा मैं आपको बता दूं आप इनको लाइक करो और जल्दी जल्दी शेयर करो अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और जितनी जल्दी हो सके आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन ले लो बस आपको ये कोड याद रखना है आर के वन बस आपको ये कोड याद रखना है आर के वन बस यही कोड अप्लाई करो और आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ में आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो जाओगे फाइन और मैं आपको एश्योर करता हूँ अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होते हो तो आपको मेरा इंटरव्यू गाइडेंस जो भी स्ट्रेटजिक वीडियो हैं जो भी आपके स्ट्रेटजी है एग्जाम देने की स्ट्रेटजी है पढ़ने की स्ट्रेटजी है वो सारी की सारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा राइट बस मैं आपको जल्दी से फीस बता देता हूँ फीस क्या है बारह महीने की जो फीस है वो है तीस हजार दो सौ पचास बट आफ्टर डिस्काउंट कितनी हो जाएगी सत्ताईस हजार दो सौ पच्चीस रुपए और जो अठारह महीने की फीस है वो है अड़तीस हजार पाँच सौ रुपए और जो डिस्काउंट की बात हो जाएगी फीस वो हो जाएगी चौंतीस हजार छह सौ पचास रुपए और अगर दो साल की फीस आप देखोगे तो वो है चौवालिस हजार और आपकी जो फीस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी फिर डिस्काउंट के बाद उनतालीस छह सौ रुपए उनतालीस छह सौ रुपये तो बेटा बिल्कुल आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए है ना आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर अगर आप डेडिकेटेड है ना तैयारी करने के लिए तो आप सब्सक्रिप्शन ले लो है ना क्योंकि इस समय पर इस समय पर कोरोना टाइम पर आप ऑफलाइन स्टडी नहीं कर सकते हो आप फ्री भी नहीं बैठ सकते हो आप वेट भी नहीं कर सकते हो अगर आप वेट करोगे तो कोरोना टाइम में क्या हो जाएगा आपका यू यूं निकल जाएगा टाइम है ना और बाद में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो जितनी जल्दी हो सके बेटा उतनी जल्दी आप सब्सक्रिप्शन ले लो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो आपको कोई भी डाउट आता है कोई भी डाउट आता है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं फाइन आपको डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है और इस चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो जो आपका टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक मिल जाएगी नीचे उसको आप जरूर ज्वाइन कर लो और ये कोड लगाना मत भूलना आर के वन ये कोड लगाना मत भूलना आर के वन यही कोड है जो आपके गेट के सारे दरवाजे खोल देगा ओके okay बेटा थैंक यू